बड़ी खबर, जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना प्रदर्शन जारी। पंजाब का सबसे बड़ा किसान संगठन जंतर मंतर पहुंचा है। चप्पे चप्पे पर दिल्ली पुलिस निगरानी कर रही है। गाजीपुर बॉर्डर पर एहतियातन पुलिस चेकिंग कर रही है। पहलवानों के समर्थन में राकेश टिकैत जंतर मंतर पहुंचे। सिंगू बॉर्डर पर पुलिस मुस्तैद, बैरिकेडिंग और मिट्टी से भरे डंपर तैनात किए गए हैं। तो चप्पे चप्पे पर दिल्ली पुलिस निगरानी कर रही है। गाजीपुर बॉर्डर पर एहतियातन पुलिस चेकिंग कर रही है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, क्या कुछ जानकारी? देखिए, जिस तरीके से समर्थन मिल रहा है पहलवानों का, बड़े बड़े संगठन खाप नेता पहुंच रहे हैं वहां पर, क्या कुछ फिलहाल अभी की अपडेट है? देखिए, अगर हम बात करें तो जो किसान नेता है राकेश टिकैत, तो वो फिलहाल जंतर मंतर पहुंच चुके हैं और पहलवानों के समर्थन में जंतर मंतर पहुंचे हैं। चूंकि तमाम जो पहलवान हैं, उन्होंने साफ तौर से राजनीतिक दलों और तमाम संगठनों से अपील भी की थी कि वो आएं और जंतर मंतर पर कहीं ना कहीं उनके समर्थन में खड़े हो जाएं। और इसी कड़ी में नरेश टिकैत ने हाल ही में ऐलान किया था कि वो 7 तारीख को जंतर मंतर जाएंगे। इसको लेकर अगर हम बात करें तो दिल्ली पुलिस के अलावा जो अर्धसैनिक बल है, वो दिल्ली के अलग अलग जगहों पर चप्पे चप्पे पर अगर हम बात करें निगरानी के लिए लगाए गए हैं। इसके अलावा दिल्ली से सटे हुए तमाम जो बॉर्डर्स हैं, वहां पे भी जो बैरिकेडिंग्स हैं वो लगाई गई हैं और तमाम गाड़ियों की चेकिंग भी की जा रही है। दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से एहतियात बरत रही है, किसी भी तरीके से जो प्रदर्शन है, या यूं कहें कि पिछली बार आपने देखा किसान आंदोलन के दौरान किस तरीके से चीजें निकलकर सामने आई थी। कई अराजक तत्व जो है वो उन्होंने आंदोलन को खराब किया था और कहीं ना कहीं उसमें अराजकता ऑफिस में लाने की कोशिश की गई थी। दिल्ली पुलिस इस बात को लेकर पूरी तरीके से अलर्ट मोड पे है कि किसी भी तरीके से प्रदर्शन में अराजक स्थिति ना पैदा हो। और तमाम संगठन जो कि पहुंच रहे हैं, और अगर हम बात करें तो इस वक्त जंतर मंतर पर हजारों की संख्या में जो अगर हम बात करें तमाम पहलवान और जो किसान संगठन है, हजारों की संख्या में भीड़ जुटी हुई है और पुलिस के जवान भी वहां पे मौजूद हैं और जो आला अधिकारी है पुलिस के वो लगातार वहां पे आ रहे हैं और जो वहां का प्रदर्शन स्थल है वहां का जायजा ले रहे हैं। तो निश्चित रूप से जिस तरीके से पहलवानों की लगातार मांगे हैं उसमें कहीं ना कहीं परिवर्तन भी हो रहा है। पहले पहलवान कह रहे थे कि बृजभूषण शरण सिंह पर हमने शिकायत दर्ज कराई, उनको लेकर FIR दर्ज नहीं हुई है। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमने FIR दर्ज कर ली है। उसके बाद कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई होती है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप लोग सुप्रीम कोर्ट इसलिए आए थे कि FIR दर्ज नहीं हो रही थी, महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिल रही थी जिन्होंने शिकायत की थी, महिला पहलवानों ने वो भी मिल चुकी है, ऐसे में सुनवाई को बंद किया जाता है। लेकिन पहलवान अभी भी अपनी मांगों के साथ डटे हुए हैं। वो कह रहे हैं बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ सीधे तौर पे कार्रवाई किया जाए, उन्हें उनके पद से हटाया जाए और जो आरोप लगाए गए हैं उसमें जल्द से जल्द कार्रवाई हो। हालांकि बृजभूषण शरण सिंह भी अपनी सफाई लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से पेश कर रहे हैं और अपने आप को पाक साफ बता रहे हैं। ऐसे में अब देखना होगा, क्योंकि किसानों की अगर हम बात करें, तमाम जो किसान संगठन है वो जंतर मंतर पर पहुंचे हुए हैं। जंतर मंतर पर अगर हम बात करें, बजरंग पुनिया के अलावा विनोद फोगाट, साक्षी मलिक सहित तमाम जो पहलवान है वो भी मौजूद हैं। तो निश्चित रूप से आज एक बड़ा जमावड़ा दिल्ली के जंतर मंतर पर हुआ है। अब देखना होगा कि ये जो किसान पहुंचे हैं वो कब तक जंतर मंतर पर डेरा डालते हैं या आज वहां से निकल जाते हैं। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि जिस तरीके से किसान लगातार पहलवान लगातार जो है वो किसानों से अपील कर रहे थे, तमाम संगठनों से अपील कर रहे थे, उसी तरीके से कहीं ना कहीं इस प्रोटेस्ट को समर्थन भी मिल रहा है। क्योंकि इस बात को लेकर दिल्ली पुलिस अलर्ट पर थी, रात से ही चप्पे चप्पे पर निगरानी की जा रही थी। इस वक्त भी जंतर मंतर पर जो एहतियातन तमाम जो अर्धसैनिक बल है उनकी तैनाती की गई है और जंतर मंतर पर आने वाले हर उस व्यक्ति की जांच भी की जा रही है। अगर हम बात करें तो सुरक्षा घेरे से उन्हें जाना पड़ रहा है। तो निश्चित रूप से किसी भी संदिग्ध गतिविधियों पर भी कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस ने नजर बनाकर रखा है। अब ऐसे में देखना होगा कि जो पहलवान मांग कर रहे हैं उस पर, उन मांगों पर खासतौर पे दिल्ली पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करते हैं, उनकी शिकायत पर जो FIR दर्ज हुई है, और सबसे बड़ी बात है केंद्र सरकार का क्या कुछ रुख रहने वाला है। क्योंकि पिछली बार आपने देखा कि जब पिछली बार पहलवानों ने प्रदर्शन किया था तो केंद्र सरकार की ओर से खेल मंत्रालय, खुद अनुराग ठाकुर ने इन पहलवानों से बातचीत की थी, कमेटी बनाई गई, कमेटी ने रिपोर्ट दी। तो निश्चित रूप से पिछली बार की अगर हम बात करें, पिछली बार सरकार चूंकि ज्यादा ही सक्रिय नजर आ रही थी, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं सरकार भी उस तरीके बिल्कुल। तो देखिए, लगातार किसान आंदोलन भी सभी ने देखा है और उसके बाद अब पहलवान भी अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और जिस तरीके से किसान नेता राकेश टिकैत अपने समर्थकों के साथ जंतर मंतर पहुंचे हैं, अब इस प्रदर्शन को लेकर आगे क्या कुछ होता है, किस तरीके से जो पहलवान हैं वो अपनी मांगों को लेकर मुखर रहते हैं, देखना महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन इसी के साथ बड़े राजनीतिक दलों का भी समर्थन पहलवानों को मिल रहा है, तमाम दिग्गज भी पहुंचे इससे पहले, और अब कांग्रेस नेता राकेश टिकैत भी जंतर मंतर पर अपने समर्थकों के साथ पहुंचे हुए हैं।
अपडेट ले लेते हैं। पीयूष बने हुए हैं हमारे साथ लगातार। पीयूष देखिए किस तरीके से किसान आंदोलन चला ये सभी ने देखा। अब महत्वपूर्ण ये है कि जो प्रदर्शन हो रहा है पहलवानों का उसकी जो दिशा है वो ना बदल जाए, इसको भी ध्यान में रखना होगा पहलवानों का। जो पहलवान जो है जो इस प्रदर्शन में कहीं ना कहीं शामिल नहीं है, उनका सीधे तौर पे ऑफ द कैमरा यही कहना है कि जिस तरीके से पहलवान अपनी मांगों को रख रहे थे, निश्चित रूप से उनका अधिकार है और उन्होंने पहले प्रदर्शन में भी अपनी मांगों को रखा था और लोकतंत्र है भारत में और अपनी मांगों को रखने का हर किसी को अधिकार है, लेकिन जिस तरीके से इस पूरे प्रदर्शन का राजनीतिकरण हो रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है पीयूष, आपका रुख करूंगी। हमारे साथ किसान नेता जुड़ गए हैं बृजेश जी। बृजेश जी बहुत स्वागत आपका। और देखिए जंतर मंतर पर किसान नेता राकेश टिकैत पहुंच गए हैं पहलवानों को समर्थन देने के लिए। किसानों का क्या रुख है इस ओर? जी जी, मैं आपको बता दूं, किसानों का रुख ये है कि जो पिछले 15 दिन आज हो गए हैं पहलवानों को बैठे हुए, लेकिन सरकार की कान पर जूनी रेंग रही है और इस बाहुबली जो ये ब्रजभूषण शरण है इसको बर्खास्त नहीं कर रही। इसको लेकर किसान, जितनी भी किसान यूनियन है भारत की, सबों ने समर्थन दे दिया और धीरे धीरे सब लोग जंतर मंतर पहुंचने का काम कर रहे हैं। हमारी यूनियन भारतीय किसान अम्बावता, हमारे चौधरी शिपाल अम्बावता जी ने समर्थन दिया है, राकेश टिकैत जी, नरेश टिकैत जी और जितनी भी यूनियन है सब पहुंच रहे हैं। पूर्णतः समर्थन इस पहलवानों के धरने को है और जब तक सरकार इसको वापिस नहीं लेगी, इसको बर्खास्त नहीं करेगी शरण को, तब तक हम इसमें ही अड़े रहेंगे दिल्ली में। बिल्कुल, ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि कहीं किसान इस प्रदर्शन में शामिल होकर इस प्रदर्शन की दिशा ना बदल दें, इस ओर किसानों का क्या कहना है? किसानों का यही कहना है कि भाई जब तक ये बर्खास्त ना हो, इसको सरकार जेल ना भेजे, कोर्ट ने भी इसके गिरफ्तारी के आदेश कर दिए, लेकिन दिल्ली पुलिस कहीं ना कहीं नतमस्तक है इसके सामने। सभी नेताओं की पता नहीं क्या कारण है, क्या राज है इसके पास, जो सरकार के जो बैठे हुए मंत्री हैं, सांसद हैं या जितने भी इनका उस जो इनका कैबिनेट है वो इसमें कोई निर्णय नहीं ले पा रही है। कहीं ना कहीं सरकार इससे डरती है या फिर कोई इसके राज है जिससे सरकार डर रही है। बिल्कुल, तो किसान पूरी तरीके से कहीं ना कहीं पहलवानों के समर्थन में उतरे हैं ये समझा जाए, अपना कोई भी उनका फायदा इसमें नहीं है। नहीं, किसानों को क्या फायदा होगा? पहलवान, एक बात बताइए, 13 महीने आंदोलन चला, ये पहलवान भी तो हमारे परिवार की बच्चे हैं। कोई ऐसा परिवार नहीं है जिसमें किसानी नहीं होती और कोई ऐसा घर नहीं जिसमें पहलवान नहीं होते। तो हमारे परिवार के बच्चे हैं, हर किसान हर घर परिवार के व्यक्ति का जिम्मेदारी है कि इनकी मदद की जाए, इनके आंदोलन को सफल बनाने के लिए। जिस तरह 13 महीने का आंदोलन चला दिल्ली में, इस तरह एक आंदोलन पूरी तरह चलाया जाएगा। अगर सरकार नहीं मानती है तो पहले की तरह दिल्ली को घेरने का काम किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए पहलवानों का जो हौसला टूट रहा था कहीं ना कहीं किसानों के समर्थन से वो बुलंद होगा, लेकिन किसान क्या इसको लेकर सजग रहेंगे पूरी तरीके से कि इस प्रदर्शन की दिशा किसी भी रुख में ना बदल ले ताकि पहलवानों की जो मांग है वो खुले तौर पर सुनी जाए? नहीं, इसमें किसान सजग है और किसान पूर्णतः इनके साथ है और हमारी जो मांग है, हमारी और या पहलवानों की मांग यही है कि भाई इन देश की बेटियों ने, जिन्होंने देश का सम्मान बढ़ाया, देश के लिए मेडल आई, आज देश की बेटियां रो रही हैं। आप भी देख रहे हैं, आप भी अच्छे पत्रकार हैं, आप देख लीजिए किस तरह उनकी लाइटें काटी जा रही हैं, किस तरह उनकी जो टॉर्च की रोशनी में वो खाना खा रहे हैं, उनके साथ मारपीट हो रही है। एक पत्रकार थी महिला, उनके साथ उन कपड़े फाड़ दिए गए दिल्ली पुलिस ने। तो ये लोकतंत्र नहीं बताया देश में, लोकतंत्र का हनन हो रहा है। इसके लिए कोई विपक्ष तो जिंदा है नहीं और हम चाहते हैं इसका राजनीतिकरण ना हो के, इनकी हम खुद मांग कर रहे हैं कि राजनीतिकरण ना हो, जिसका समर्थन देना हो समर्थन दे, लेकिन इनकी मांगों को पूर्णतः कराना किसान यूनियन का काम है। बिल्कुल ठीक है, किसान लगातार समर्थन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया बृजेश जी खास हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ किसान नेता पवन जी भी जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत पवन जी आपका भी। देखिए लगातार पहलवानों के प्रदर्शन में शिरकत करने किसान नेता राकेश टिकैत पहुंचे हैं, अब किसानों का भी समर्थन मिल रहा है। किसानों के इसके पीछे क्या सोच है, क्या मंशा, क्या राय? जी नमस्कार जी। जी ऐसा है इसमें उन्नति जी, आप एक बात बताइए, ये किसान के बच्चे नहीं है, अगर आज किसान वहां नहीं पहुंचेंगे तो क्या इनको इसी तरीका से छोड़ दिया जाए? देश में पास्को एक्ट में मुकदमा दर्ज होने पर कौन ऐसा मुल्जिम है, कौन ऐसा आरोपी है कि जो जेल से बाहर होता है? एक आदमी का नाम बता दीजिए आप कि पास्को एक्ट जिस पर लगा हो और वो सलाखों के पीछे ना हो। आरोपी तो है, अगर उसे आप आरोपी मानते हो, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है तो उसको जेल के पीछे भेजिए और जांच कीजिए, अगर वो जांच में निर्दोष साबित होता है बाहर आ जाएगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है कि इसको अंदर जाने में इतनी बड़ी दिक्कत होती है? 42 मुकदमे दर्ज है इस आदमी के खिलाफ, खुद अपने आप टीवी चैनल के कैमरा पर बैठकर कहता है कि मैंने खुद ने मर्डर किया है। उस आदमी पर सजा नहीं होती,
और उसको पूरी सरकार एक तरीका से अपने सुरक्षा घेरे में लिए हुए है। इसलिए देश का किसान हर उस जवान के साथ, हर उस किसान के बेटे के साथ, बेटी के साथ है जो इस तरीका से पीड़ित है, शोषित है, जिनके साथ अत्याचार हो रहा है। अरे वो आराम से बैठे थे, पहले आंदोलन किया फिर दोबारा आंदोलन कर रहे हैं। आपके यहाँ पर कोई कानून व्यवस्था नहीं है, आप अंबेडकर जी के संविधान को नहीं मानते, आप आंदोलन को नहीं मानते, आप जाति और बिरादरियों में लोगों को बांटते हो, आप हिंदू मुसलमान करते हो, मतलब किसी को कोई न्याय नहीं मिलेगा। अगर आंदोलन के धैर्य के रास्ते पर चलकर भी हमें आंदोलन नहीं मिलेगा तो हमें करना क्या है? इसलिए हम आज वहां पर एकत्रित हुए हैं और हम ये विचार कर रहे हैं कि इस देश में किस तरीका से अब हम अपनी बहन बेटियों की इज्जत को सुरक्षित रख पाएंगे। ठीक है, तो बड़ी मांगे हैं और उसको लेकर अब किसानों का भी समर्थन सामने आ गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया पवन जी खास हमारे साथ जुड़ने के लिए।